स्टार्ट। ऑनलाइन एप्लीकेशनों का शिकार ऐसे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं हमारे दफ्तर में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कोई दो बहनें फोन कर रही हैं कि हम यतीम थे, हमारी माँ बेवा है, हमने इस मुसीबत के तहत 10,000 लिए थे, मेरा 1,00,000 लिए थे। एक और केस, अभी हम ये हाउस ऑफ एजुकेशन जीडीसी का स्कूल आ रहे हैं, फिर वहां पर खड़े हुए एक फैमिली हमारे पास आई है, इनका कोई मसला है, इनका नाम है, ये इनका शिनाख्ती कार्ड है। पहले इसको कवर कर लो करीब से। ये इनका शिनाख्ती कार्ड है, ये इनका अता पता है। ये दिखाने का मकसद ये है कि ये पाकिस्तानी है। क्या जुल्म है सुने? कितने साल पहले आपने कर्जा लिया? मैंने 8 महीने पहले लिया था, अपनी बच्ची की डिलीवरी केस के लिए मैंने लिया था। अभी ये कितने महीने की है? ये अभी है 8 महीने को। अच्छा, इसकी विलादत पे? हाँ, लिए थे। 1,18,000 लिया था मैंने जो है लोन, और अभी तक मैं 6.5 लाख रुपए दे चुका हूँ उनको, अपना रक्षा बेच के। मेरी बेगम का पोलर का सिस्टम था वो बेच के, घर का जेवर सोना गोना सब कुछ बेच के दे दिया। फिर अभी भी 4.5 लाख रुपए लगे हुए हैं, अभी भी उनके 4.5 लाख रुपए मेरे ऊपर लगे हुए हैं। अब आप मुझे, मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूंगा, आप मेरी छोटी सी बात सुने। जो भी हुक्काम वाला है ये पाकिस्तानी है, ये किसके पास है? मेरे पास क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, मैं इतना कर सकता हूँ कि भाई अब आप उनको फीस देना बंद करें। अगर वो आपको जान से मारने की बात करें, मेरा नाम दे दीजिए, बोले मुझे आगे मार देंगे। क्या लीक करेंगे आप? जो बोले कर दो लीक। देखिए कितना बड़ा जुल्म है। सुने क्या बोल रही है? रिश्तेदारों में कॉल करके हमें इतना बदनाम किया, मेरे शॉल की नौकरी खत्म हो गई। पाकिस्तान आई बैंक में जॉब करता था, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर को। अब सुने, आप सुने, जुल्म सुने। 1,18,000 रुपए इन्होंने 8 महीने पहले लिए थे, अगर उस पर 10% भी ले लें तो कितना? 18,000 रुपए बनता है। 1,18,000 रुपए का डबल कितना बनता है? 2,36,000 रुपए। मतलब उससे 10 गुना ज्यादा पैसे दे चुके हैं, यानी कि कितने पैसों पर? 6.5 लाख रुपए दे चुके हैं, अपना पार्लर बेच दिया, अपना रक्षा बेच दिया, हर महीने उनको पैसा दिए जा रहे हैं। 6.5 लाख रुपए देने के बाद अभी कितने पैसे बाकी हैं आपके? 5.5 लाख रुपए इनके बाकी हैं। खुदा के वास्ते मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इनके किस्ते देना बंद करें, आप पे जुल्म हो रहा है, और फौरन जाके FIA में एप्लीकेशन लगाए, इन लोगों को गिरफ्तार करवाएं। कोई डरने मरने की जरूरत नहीं है। बोले भाई लीक कर दो, लीक कर दो, गलत चीज थोड़ी यार। और देखिए कितना बड़ा जुल्म है, हर एक के मोबाइल का डाटा ले लिया है, और उनके मोबाइल की तस्वीरें, इनके फोन नंबर, इनकी पर्सनल चैट सब अपने पास रखी, इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। और जब ये लोग उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो उनको हंसते हुए बोलते हैं हम गैर मुल्की कंपनी है, एजेंसी है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कितना बड़ा जुल्म है। सुने क्या धमकियां देते हैं? हम चाइना से बात कर रहे हैं, हम अमरीका से बात कर रहे हैं, आप लोग क्या कर लोगे, हमारे पैसे हमें अदा करो। अब अगर किसी, कोई भी, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इस बहन की आंखों में आंसू देख ले, अपनी बेटी समझते हुए, खुदा के वास्ते इनके ऊपर रहम करें। ये लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर दौड़ रहे हैं। हम आपके खाने का इंतजाम करवाते हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या अपील करेंगे? खत्म करवाते हैं इन एप्लीकेशन को, बचना, बैन करना चाहिए, इन्होंने गरीबों का फोन चूसा। वैसे मैं गुजारिश करूंगा, अगर कोई ये हो रही है, 1,18,000 कर्जा लिया था, 8 महीने में 6 लाख रुपए दे चुके हैं, 5 लाख और देने, 1 लाख के बदले 10 लाख देंगे, और उसके बदले में वो इनको बोल रहे मर जाओ, खुदकुशियां कर लो, पैसा तो तुम्हारे बाप से भी लेंगे। हमारी नौबत यही है कि हम खुदकुशी कर ले, हमारे 3 बच्चे, किराए का मकान है, 4 महीने का हमारा किराया चढ़ा हुआ है, हम लोग मर जाए बस, हम बहुत तंग हो गए अपनी जिंदगी। आपको कोई जरूरत नहीं है फीस देने की, ना रोने की जरूरत है। आपका किराया भी मैं दे देता हूँ, आपके मामला भी मैं आगे राशन भी कर दूंगा, वो इशू नहीं है। लेकिन मैं देखने वाले तमाम लोगों से बोलूंगा बंद करो इनको किस्त देना यार, जो गैर कानूनी सारा काम हो रहा है ये, और जाएं FIA में एप्लीकेशन लगाएं इनके खिलाफ। और किसी को घबराने की जरूरत नहीं, किसी को खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है, सारा पाकिस्तान आपके साथ है। ऐसे कैसे हमारी बहन बेटियों को, अगर 1 लाख उसने मजबूरन ले लिया अपनी बेगम की डिलीवरी के लिए, तो आज वो 10 लाख भरेगा उसके बदले? ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता भाई। चलो 10%, 12% आपने साल का ले लिया, ये कौन सा तरीका है? 1,000% लोगे, लोगों को जान से मार दोगे क्या? इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, कोशिश करें किसी तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान तक और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक ये वीडियो पहुंच जाए। अभी ट्विटर पे देख लीजिए तो रिट्वीट करके टैग कर लीजिएगा। लोग रो रहे हैं, मर्द रो रहे हैं, इसके बाद क्या बचता है वो आप भी समझते हैं। आप अपना फोन नंबर बताएं, ताकि अगर कोई आपसे हुकामे वाला रब्ता करना चाहे तो कैसे रब्ता करें? 03108702146। क्या नाम है आपका? माजिद हुसैन। ओके।